हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो देख रहे हैं ये आपका फ्रिज है, ये आपका 5 नॉन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। सो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे RT42T5C38H9, ये जो है आपका ये 2-star रेटेड है और ये जो 5-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। सो यहाँ पे आपको ये 2 कूलिंग के साथ आपको मिलती है और यहाँ पे ये आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ आपको मिलती है। सो इसे आप कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं वो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो कन्वर्ट करने के लिए जैसा आप देख सकते हैं ये जो है टेम्परेचर जो आपको दिख रही है ये आपका फ्रीजर का टेम्परेचर दिख रहा है। सो फ्रीजर जो है इसमें ये वाला चैम्बर जो है फ्रीजर है और ये जो चैम्बर है वो आपका फ्रिज है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिख रही है वो आपका है फ्रीजर का। सो फ्रीजर का जो है आपका -23 से लेकर के आप -15 डिग्री तक आप टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है -19 होता है, आप इसे आप चाहें तो -23, -21, -17, -15 आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे देख सकते हैं आपका टेम्परेचर जो है ये चेंज हो रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट होता है -19 डिग्री। यहाँ पे है ये साइड में जो है वो फ्रिज का टेम्परेचर दिख रहा है। सो फ्रिज का जो है 1, 2, 3, 5, 7। सो इसका टेम्परेचर जो है आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बटन को प्रेस करें, फ्रिज बटन को, और यहाँ पे अपने डिज़ायर जो टेम्परेचर है आप उसे सेट कर सकते हैं। तो ये आपका कैसे इसे हम कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर को। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इसे यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो है आपका 3 डिग्री फ्रिज का, -19 डिग्री फ्रीजर का, एंड फ्रिज का है जो है 3 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल मोड हो गया। नॉर्मल मोड में आपका फ्रीजर का होता है -19 एंड फ्रिज का होता है 3 डिग्री। ऊपर में आपका फ्रीजर रहता है और नीचे में आपका फ्रिज रहता है। सेकंड जो मोड है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्रिज मोड। एक्स्ट्रा फ्रिज मोड में आप क्या कर सकते हैं, फ्रिजर जो है ये वाला जो कंपार्टमेंट इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है देख सकते हैं, आपको फ्रीजर जो बटन है फ्रीजर कन्वर्ट इसे आपको 3 सेकंड प्रेस करना है और ये देख सकते हैं आपका फ्रीज हो गया। सो फ्रीज जो है आपका ऊपर का भी फ्रीज हो गया और नीचे फ्रीज पहले से था ही, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर जो है 3 डिग्री है, इसे आप चेंज जब करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम ही चेंज होगा जो आप यहाँ पे चेंज करेंगे। तो आपका ये क्या हो गया, फ्रीजर जो है एक्स्ट्रा फ्रिज हो गया, इसे हो गया सेकंड मोड। वापस इसे हम क्या करते हैं नॉर्मल मोड पे लाना है इसे। तो इसे लॉन्ग प्रेस करें और एक बार और प्रेस करें इसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका -19 हो गया, ये आपका नॉर्मल मोड पे हो गया। थर्ड मोड जो है उसको बोलते हैं सीजनल मोड। सीजनल मोड में क्या होता है, जैसे लाइक आप विंटर सीजन में आप फ्रीजर का इस्तेमाल नहीं करते हो लेकिन आपको फ्रिज का सेक्शन इस्तेमाल करना है, तो ये आपको अननेसेसरली रन करता है और आपका पावर कंजप्शन होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रीजर जो है इसको हमें ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए फ्रीजर कन्वर्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करें और यहाँ पे ऑफ पे आप छोड़ दें, तो देख सकते हैं आपका फ्रीजर जो है ये ऑफ हो गया और फ्रिज जो है ये आपका चल रहा है। तो ये हो गया थर्ड मोड, इसको बोलते हैं सीजनल मोड, जहाँ पे फ्रीजर आपका ऑफ हो जाएगा एंड फ्रिज आपका रन करता रहेगा। तो ये हो गया थर्ड मोड। नेक्स्ट जो मोड है उसको बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम वापस आपका नॉर्मल मोड पे ले आ जाते हैं। तो नॉर्मल मोड हो गया। फोर्थ मोड को बोलते हैं वैकेशन मोड। सो मान लीजिए आप छुट्टी में कहीं पे जा रहे हो, आप घर पे नहीं है, आप कहीं पे जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, आप फ्रीजर आप फ्रिज पूरा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो आपके पास कुछ फ्रोजन आइटम है जिसे आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा फ्रिज रन करना पड़ेगा, इससे आपको एनर्जी कंजप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप फ्रिज को आप ऑफ कर दीजिए और फ्रीजर को आप रन करते रहिए, तो इससे आपका क्या होगा, सेव भी रहेगा और आपका एनर्जी सेविंग भी होगा। तो हमें क्या करना है, फ्रीजर को जो है सिर्फ रन करना है। तो फ्रीजर आपका -19 पर रहेगा और इस वाले को हमें क्या करना है, ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए क्या करना है, हमें फ्रिज बटन को देख रहे हैं, इसको प्रेस करके आपको जो है इसे लॉन्ग प्रेस करना है वैकेशन मोड के लिए। तो देख सकते हैं आपका वैकेशन मोड हो गया। तो ये जो है आपका फ्रीजर रन करता रहेगा और फ्रिज जो है आपका ऑफ मोड में चला गया। तो ये हो गया फोर्थ मोड। फिफ्थ
फिफ्थ मोड जो हो गया, तो इसे हम वापस से नॉर्मल मोड पे कर देते हैं लॉन्ग प्रेस करके। इसे हम थ्री पे कर दिए। लास्ट मोड है उसको बोलते हैं होम अलोन मोड। होम अलोन मोड में आपके मान लिया आपके मेंबर्स जो हैं कहीं जा चुके हैं, आपके घर पे नहीं, आपके अकेले हो, तो आप इसे मिनी फ्रिज की तरह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये पूरा फ्रिज आप इतना बड़ा नहीं यूज़ करना चाहते हैं स्पेस को। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऊपर वाला जो है ये फ्रीज़र जो है इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रिज में। तो इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकेंड, तो ये फ्रीज हो गया। अभी ये फ्रीज हो चुका है, अभी हमें क्या करना है, इस वाले को ऑफ करना है। तो इसे ऑफ करेंगे, लॉन्ग प्रेस करना है 3 सेकेंड, और ये आपका ऑफ हो गया। तो ऊपर जो है मिनी फ्रिज की तरह काम करेगा और नीचे वाला आपका ऑफ रह गया। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे 5 डिफरेंट मोड जो है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पस के लिए। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं और 5 डिफरेंट मोड में यूज़ कर सकते हैं। वापस इसे नॉर्मल मोड पे लाने के लिए इसे लॉन्ग प्रेस करें, आपका आ गया, और इसे आपको क्या करना है, नॉर्मल मोड पे लाना है। सो लॉन्ग प्रेस करके वापस से आप -19 पे छोड़ दीजिए, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है मोड उस पे आ गया। तो इस प्रकार आप 5 डिफरेंट मोड आप यूज़ कर पाएंगे।